हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आफ्टरनून लाइफस्टाइल व्लॉग्स में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज जो है हम आपको बटुक रेस्टोरेंट और बार में बार का एम्बियंस वगैरह सब कुछ बताएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ का एक बहुत ज़्यादा फेमस ये रेस्टोरेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इसका एम्बियंस कैसा है। तो आप देख सकते हैं इस साइड जो है वो ऑर्डर काउंटर है, जहाँ पर आपने अपना फूड ऑर्डर करना है, और ये जगह पर आप जो ये इंडोर सीटिंग है, आप यहाँ बैठ के भी खाना वगैरह खा सकते हैं। और एल्स एक और आपको मैं बाहर का दिखाती हूँ एम्बियंस जो है। ये इनकी अंदर का साइड हिस्सा है। अभी जो आप बाहर की तरफ जाएंगे तो इस तरीके से बाहर का ये हिस्सा है, और इसकी खासियत ये है कि ये जो है वो बीच फेसिंग रेस्टोरेंट है। ओके, तो ये जो है आप देख सकते हैं कि सामने बीच है, तो यहाँ से जो है उतर के आप जो है बीच की तरफ जा सकते हैं। तो वो जो मैंने दिखा था वो एंट्रेंस का, ये और ये एकदम उसका ऑपोजिट साइड है जहाँ पर बीच है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पीछे बैठते हैं और जो सामने बीच का मज़ा लेते हैं। तो ये उसका इसीलिए ये रेस्टोरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और थोड़ी देर बीच पे बैठते हैं। एज़ ऑलवेज़ मैंने आपको बताया ही है कि मैं जो है अफ्रीका डायरीज़ के जब से वीडियोस बना रही हूँ, तब के फर्स्ट वीडियो पे ही मैंने बता दिया था कि अफ्रीका जो है वो ज़्यादातर अपने सी बीचेस और सी पोर्ट्स के लिए फेमस है। तो इसीलिए ये जो हाँ ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि अगर हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं और वो अगर कुछ खास है तो ऑब्वियसली उसमें सी पोर्ट तो या सी बीच तो होना ही था। तो ये देखिए, इसीलिए मैंने जो सोचा कि आपको बताऊँ कि किस तरीके से यहाँ पर क्यूट सा एकदम सेटअप ये लोग ने बनाया है कि रेस्टोरेंट है, और पीछे जो है लोग बहुत क्यूट सा सेटअप है। आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि जैसे ही रात होने लगती है तो वो रेस्टोरेंट जो पूरे बीच को जो है उन्होंने बहुत क्यूटली डेकोरेट किया है। तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सनसेट का टाइम ऑलरेडी होते आ रहा है, तो हमने सोच के आए थे कि हम थोड़ा जल्दी जाएंगे ताकि आपको डे का व्यू भी दिखा सकूँ और जो आप सनसेट भी इन्जॉय कर सकें। तो इसीलिए हम जो है ऐसे टाइम पे आए कि जो दोनों चीज़ हम जो है देख सकें। ठीक है, तो आप देखती हैं इस तरीके से उसका पूरा चारों तरफ से व्यू है और लहरें आ रही है। बहुत अच्छा ये फील था कि जब आप इस तरीके से बैठो दरिया किनारे और सनसेट देखो, इन सारी चीज़ों का अलग ही मज़ा होता है। लाइफ में आप कुछ भी कर लो बट ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा स्पेशल होती ही हैं। तो बस आप देख सकते हैं अभी जो सनसेट का टाइम भी हो गया है, तो सन भी सेट हो रहा है। तो अब यहाँ इसके बाद जो है इसकी इस बीच की खूबसूरती और बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे यहाँ पे सनसेट होने लगता है तो यहाँ के जो होटल वाले बटुक रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग पूरे बीच पे उनका जितना भी सेटअप है इस तरीके से छोटे छोटे लाइट्स से वो लोग पूरे बीच को लाइट अप करते हैं। तो मैं आपको एक उसका व्यू दिखाऊँगी। देखो ये जो है ना, ये स्पेशल इस तरीके की ये लोग के स्पेशल टाइप के कुछ बल्ब है, ये इतनी क्यूट दिखते हैं और इसी बल्ब से उन्होंने जो है इस तरीके से पूरे बीच को उन्होंने सजाया है। आप देख सकते हैं सिट एरिया उसका इतना दूर है बट स्टिल उन्होंने जो है इस तरीके से पूरे अपने बीच अपने रेस्टोरेंट को बीच साइड को इस तरीके से सजाया। तो बस एक बार आखिरी बार व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से इस अंदर का व्यू है, फिर जो है मैं आपको इसके बाहर का व्यू भी दिखाऊँगी। तो आप ये देख लें, फिर फटाफट से चलते हैं बाहर। तो जैसे ही आप रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं आपको ये एरिया दिखेगा जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया भी है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा हैपनिंग एरिया जहाँ पे बहुत सारे बार्स और रेस्टोरेंट्स वैसे भी पाए जाते हैं। तो एक और यहाँ पे ये जो यही लेन में एक और बार भी है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये आप देखिए इस तरफ जो है वो एक और बार आता है, वेट मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे हम थोड़ा आगे चलेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक जो है ये बार है। ठीक है, ये भी एक बार एंड रेस्टोरेंट है, काइंड ऑफ कैफेटेरिया है। ठीक है, तो बस आप यहाँ आगे चल सकते। राइट साइड में जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया है, तो उस साइड पे जो है रेजिडेंशियल एरिया, इस साइड जो है बार और कैफेटेरिया है। और ये जो बीच वाला लेन है इसको लोग ने बहुत ही खूबसूरती से इस तरीके से नारियल के पेड़ पे उन्होंने डेकोरेट किया है, और दिस वाज वेरी क्यूट बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। तो बस इसी के साथ मुझे एंड करते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी